हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होममेड बॉडी लोशन। फ्रेंड्स, ये जो होममेड बॉडी लोशन है आप लोग इजीली घर पर बना पाओगे, इसके लिए ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो बॉडी लोशन है ये आप लोगों की स्किन को 24 आवर्स के लिए जो है स्मूथ रखेगी, सॉफ्ट रखेगी। फ्रेंड्स, ये इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, तो ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को पहले लेना होगा एक कांच का बॉल या फिर एक कंटेनर। इसमें आप लोगों को लेना है कोकोनट ऑयल या फिर एलमंड ऑयल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको स्टोर करके रखना चाहते हो तो हाफ कप ऑफ कोकोनट ऑयल या फिर जो है एलमंड ऑयल लीजिए। मैंने ये ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लिया है, आप हो सके तो आप लोग ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, मार्केट का नहीं। और इसके साथ हमारे जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स वो है हनी। फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है डाबर का हनी, मार्केट से लिया था। फ्रेंड्स, इसके लिए 2 चम्मच मैंने इसमें कोकोनट ऑयल लिया है, तो इसलिए मैं इसमें लूँगी बस थोड़ा सा, यानी कि 2 ड्रॉप्स ऑफ जो है हनी। अगर आप लोग हाफ कप ऑफ कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल ले रहे हो तो 1 टेबल स्पून जो है हनी ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ मैंने लिया है ये जो है लेमन जूस। फ्रेंड्स, लेमन जूस का भी मैं यहाँ पे ओनली 2 ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो 1 टेबल स्पून आप लोग जो है लेमन जूस लीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहे तो इसको जो है डबल बॉयल सिस्टम में इसको बॉयल भी कर सकते हो। आप लोग ऐसे भी इसको मिक्स करके रख सकते हो। अगर आप लोग ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर करके अप्लाई करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, आप लोग स्टोर करके रखना चाहते हो तो जो डबल बॉइलिंग का मेथड आप लोग अप्लाई करके आप लोग स्टोर करके रखिए। फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग को जो हाफ कप या फिर 1 कप लेना है ऑयल, एंड आप लोगों को जो है 1 टेबल स्पून हनी एंड 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस लेना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स सॉरी, ये थोड़ा गिर गया आप लोगों की दिखाने के चक्कर में। फ्रेंड्स, आप लोग को इसको नहाने के बाद अपनी जो है स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो लगाने के बाद ये कितना शाइनी कर रहा है। फ्रेंड्स, यह अंदर से कोकोनट ऑयल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, यह हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने हनी लिया है, हनी भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। इसके साथ साथ मैंने इस पे लिया है जो लेमन जूस। लेमन जूस में होता है विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन को लाइटन बनाती है एंड ये भी मॉइस्चराइज करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको कैसे प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, ये होममेड है। फ्रेंड्स, अभी बारिश का सीज़न ख़त्म हो रहा है एंड विंटर सीज़न आ रहा है, तो आप लोगों को ये जो होममेड जो है बॉडी लोशन ये बहुत काम आएगा। ये आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा। मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो हमारी स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।